दोस्तों ऑन हैवी पब्लिक डिमांड आज हम बात करेंगे फ्रेश बाय सलमान खान डिओड्रेंट्स की माचो फ्रेगरेंस के बारे में फ्रेश के, माचो के बारे में थोड़ा इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे जो कि इनकी लॉन्च की गई चार डिओ की सीरीज में से एक डीओ है और आपको आगे चलकर वीडियो में मालूम पड़ेगा कि इस डीओ को मैं इंडिविजुअली क्यों डिस्कस करना चाहता हूं रादर इन सब डिओ को इंडिविजुअली क्यों डिस्कस करना चाहता हूं अब करने को तो क्या है कि मैं चारों डिओ को एक ही वीडियो में रिव्यू कर सकता था लेकिन जब मैंने इनको यूज किया सरली तो मुझे ऐसा लगा कि ये जितनी भी फ्रेगरेंसिस हैं जो चार फ्रेगरेंसिस हैं इस सीरीज के अंदर वो सारी की सारी बहुत ज्यादा हटके हैं और बहुत ही नाइस फ्रेग्रेंसिस है तो आज हम बात करेंगे माचो के बारे में थोड़ा डिटेल में अब अगर इसकी फ्रेगरेंस टाइप की बात करूं तो ये एक गैस डियो है अनलाइक अदर डिओ जो मार्केट में आज की डेट में नो गैस डिओ का एक ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को बीट करते हुए इन्होंने आज भी गैस गैस को लॉन्च किया है है आई फील इट नॉट मैटर कि ये एक गैस है या नो गैस डिओ है जो चीज मैटर करती है एक फ्रेग्रेंस के अंदर या तो उसकी परफॉर्मेंस होती है या क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस होती है तो अगर इसकी फ्रेग्रेंस कैटेगरी की बात करूं तो ये एक फ्रेश एरोमेटिक और स्पाइसी टाइप या एक एम्बर टाइप सा डीओ है जब आप इसको लगाएंगे तो जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है जिसको मैं टॉप नोट भी बोलता हूं या टॉप नोट को मैं फर्स्ट इंप्रेशन बोलता हूं तो जब आप इसको लगाएंगे तो जो चीज सबसे पहले आप रेकोग्नाइज करेंगे वो होंगे इसके सिट्रस नोट्स और जो नेक्स्ट चीज आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगी वो होंगे इसके स्पाइसी नोट्स जो कि जिंजर के कारण है अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो ये वाला फ्रेग्रेंस है इसका एक बहुत ही बढ़िया फ्रेश स्टार्ट है जो कि मिंट के नोट्स के कारण है और साथ ही साथ आपको एरोमेटिक नोट्स स्मेल करने को मिलेंगे तो यहीं पे आप समझ जाइए कि ये जो फ्रेग्रेंस है आपको पहले इंप्रेशन में ही इंप्रेस कर देगी क्योंकि इसके अंदर बहुत वराइटी ऑफ एलिमेंट्स का आपको एक्सपीरियंस होने वाला है जिसके अंदर एरोमेटिक नोट्स हैं जिसके अंदर सिट्रस नोट्स हैं जिसके अंदर स्पाइसी नोट्स हैं और जब आप इसको थोड़ी देर वेयर करेंगे पांच दस मिनट के बाद या पंद्रह मिनट के बाद ये भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा तो आप इसके अंदर थोड़ी सी स्पाइसीनेस को और महसूस करेंगे जो कि कार्डमम के कारण है अब जो कार्डमम का नोट है वो आप इमेजिन कीजिए कि कार्डमम का नोट भी बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रेशनेस के साथ साथ थोड़ी सी स्पाइसीनेस भी महसूस करवाता है और साथ ही साथ आपको इसके अंदर जूनिफर बैरिस का भी एक्सपीरियंस होगा अब इसका जो नोट्स का आप ये कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है वेबसाइट के ऊपर बहुत बार ऐसा होता है ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ऐसे डिस्क्रिप्शन ऑफ नोट्स के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को लिखा हुआ होता है लेकिन वो वाले इंग्रेडिएंट्स आपको एक्सपीरियंस नहीं होते हैं जब आप इसको प्रैक्टिकली वेयर करते हैं या लगाते हैं लेकिन यहां पे मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा फ्रेश डिओड्रेंट्स की कि जो जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं या जो जो नोट्स इन्होंने लिखे हुए हैं फ्रेग्रेंस पिरामिड के अंदर वो सारे इंग्रीडियंट्स आपको एक्सपीरियंस होते हैं एंड टुवर्ड्स इट्स एक्सट्रीम ड्राई डाउन आपको इसके अंदर एम्बर और वेटेवर का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा लेकिन मेजोरिटी टाइम के लिए टुवर्ड्स द एक्सट्रीम ड्राई डाउन जैसे मैंने आपको कहा कि 15 मिनट के बाद आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलती है उसी तरीके से जो इसका मेजर टाइम है या मेजोरिटी टाइम है इसकी जर्नी का इसके अंदर आपको ज़्यादातर एम्बर और वेटेवर का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा अगर आपको एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंसिस पसंद है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है अब ये तो हुई इसकी टेक्निकल पार्ट की बात की टेक्निकली इसके नोट्स कैसा स्मेल करते हैं अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप एक ले मैन की लैंग्वेज में बताइए कि इसको लगाने के बाद क्या फील आती है या इसकी वाइब्स कैसी हैं तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हाफ टाइम के लिए ये आपको बहुत ही ज्यादा एरोमेटिक स्मेल करेगा जस्ट लाइक ब्रूट ओरिजिनल डीओ अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है वो ये है मैंने ये कहा है कि इसका जो फील है वो एरोमेटिक है ब्रूट ओरिजिनल डीओ की तरह इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रूट ओरिजिनल डीओ की तरह स्मेल करता है अब ब्रूट ओरिजिनल की एक यूएसपी है कि वो बहुत ज्यादा एरोमेटिक स्मेल करता है बिकॉज ऑफ लेवेंडर नोट्स तो इसमें आपको वो लेवेंडर की प्रेजेंस या प्रोमिनेंस बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से स्मेल करने को मिलेगी लेकिन मेजोरिटी टाइम के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि वो थिक एम्बर और रेजिनोस नोट्स का आपको एक्सपीरियंस होगा तो हाफ टाइम के लिए आपको ये एम्बर जैसा स्मेल करेगा अब फ्रेश माचो से रिलेटेड अगर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूं वो ये है कि ये वाला डिओ भी एक बहुत महंगे और बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंस का स्मेल लाइक है या आप ये कह सकते हैं क्लोन है यस आई एम यूजिंग द वर्ड क्लोन बिकॉज ये उसके बहुत ही ज्यादा क्लोजली स्मेल करता है लाइक like, अगर आप मुझे परसेंटेज के हिसाब से पूछेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज स्मेलिंग एज क्लोज एज नाइनटी अगर आप किसी को ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये फ्रेश डिओ है या ये वो वाला डिजाइनर फ्रेग्रेंस है और उसका नाम मैं वीडियो के एंड में आपको डिस्कलोज करूंगा अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करूं तो इसकी प्रोजेक्शन भी बहुत ज्यादा हाई है लोग इसको बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं और इसको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं इसकी लॉन्जिविटी की अगर बात करूं तो लॉन्जिविटी भी बहुत ज्यादा बीसली है बीग अ डिओ ये कपड़ों के ऊपर करीबन छह से सात घंटे के आसपास लास्ट करता है और स्किन के ऊपर करीबन पांच से छ घंटे के आसपास इसकी लॉन्जिविटी है अगर इसके ओकेजन की बात करूं तो मैं इसको एक ऑलराउंडर के डीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करता हूं क्योंकि जिस डिजाइनर फ्रेग्रेंस का ये क्लोन है या जिस डिजाइनर फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड ये वाला डिओ है वो भी एक ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है अब अगर इसकी एज ग्रुप की बात करूं तो ये भी एक ऑल एज ग्रुप टाइप सा डीओ है एंड इवन इट इज गुड फॉर कॉलेज एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एज वेल अब ये जिस डिजाइनर फ्रेग्रेंस का क्लोन है या उसका स्मेल लाइक है उसके नाम को डिस्क्लोज करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पैकरोबेन इनविक्टस जैसा स्मेल करता है एंड इट स्मेल्स एज क्लोज एज 90 परसेंट और ये चीज मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं शर्त लगा के बोल सकता हूं कि अगर आप किसी की आंखों पर पट्टी बांध देंगे एक रिस्क पे उसकी आप इन्विक्टस को स्प्रे करेंगे और दूसरे पे फ्रेश माचो को स्प्रे करेंगे तो वो एग्जैक्टली exactly इसका डिफरेंस बता ही नहीं पाएगा कि कौन सा फ्रेश माचो है और कौन सा इन्विक्टस है और अब अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो जो आपको क्वांटिटी स्कैन के अंदर मिलती है वो करीबन 200 हंड्रेड के आसपास मिलती है और जो उसकी एम है वो टू हंड्रेड है लेकिन अगर आप इनको इसकी वेबसाइट से खरीदेंगे तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र्स चल रही हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं अगर आपको अपने हिसाब से कॉम्बोज उसके ट्राई करने हैं तो उनके पास बहुत सारे कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं जहां पे उनके फ्रेग्रेंस लाइक परफ्यूम्स और डीओस के कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं या दो डीओ या तीन डीओ या पूरा का पूरा फुल हाउस पैक का कॉम्बो भी अवेलेबल है अब इस डीओ को अगर मैं फाइनली रैंक करूं इसके अलग अलग पैरामीटर्स और एस्पेक्ट्स के हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू मी इट हैज गॉट एन ओवरऑल स्कोर ऑफ नाइन आउट ऑफ टेन और जो एक नंबर मैंने इसको कम दिया है वो इसकी यूनिकनेस के कारण दिया है बिकॉज ऐसी रूटीन बॉटल्स आपको बहुत सारे और डीओ में देखने को मिल जाती है लेकिन अगर बॉटल की बात करूँ तो कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं है लेकिन अगर दूसरे पैरामीटर्स की बात करूँ जिसमें फ्रेग्रेंस क्वालिटी है तो ये नाइन आउट ऑफ टेन है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिजेंबलिंग स्मेल करता है पैकरोमेन इन के लॉन्जिविटी भी नाइन आउट ऑफ टेन है प्रोजेक्शन भी नाइन आउट ऑफ टेन है तो अगर ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो ये नाइन आउट ऑफ टेन टाइप सा ड्यू है अब आती है मेरे फाइनल वर्डिक की बात कि मैं इस डिओ या इस फ्रेग्रेंस के बारे में क्या सोचता हूं तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैं इसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इसको जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए उसका रीजन क्या है कि ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ हुआ डिओ है तो होता क्या है कि आपने भी ट्रेंडिंग ये चीज देखी होगी या हिस्ट्री में भी ये चीज देखी होगी कि जब भी कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो जो उसके इनिशियल बैचेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पोटेंट स्मेल करते हैं क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट चलाना होता है लेकिन जब एक बार कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है या वो चल जाता है पॉपुलर हो जाता है तो हमने उसकी क्वालिटी गिरती देखी है तो अगर वाकई में आपको सीरियसली एक बहुत अच्छी परफॉर्मिंग डीओ की तलाश है या आप बहुत क्लोजली स्मेलिंग एक पैकोरविन इन्विक्टस का क्लोन चाहते हैं तो अब आप इसको जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि फ्रेश माचो के रिव्यू के ऊपर बेस था आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके से आप बाकी वीडियोस पे भी नजर जरूर रखिए क्योंकि धीरे धीरे करके मैं फ्रेश की पूरी रेंज का रिव्यू करने वाला हूं आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट या डिमांड है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लेकिन इससे पहले मैं आपकी इजाजत दू मैं आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये दिवाली आपके लिए ढेर सारी खुशियां सुख समृद्धि और धन लेकर आए तो महकते रहिए मुस्कुराते रहिए टिल नेक्स्ट टाइम इंजॉय लाइफ टेक केयर